अब चलिए जानते हैं कि कन्या राशि वालों के लिए पूरा साल कैसा रहेगा और सितारे क्या कहते हैं। तो पंडित जी, कन्या राशि वालों के लिए पूरा साल कैसा रहेगा? कन्या राशि के जातक के लिए यह साल जो है वह लाभकारी होगा। साल का प्रारंभ जो है वो थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है उनके लिए, क्योंकि बुध जो है वह शनि के काफी करीब आ गया है, लेकिन जैसे जैसे साल आप गुजरता चला जाएगा वैसे वैसे उनके लिए लाभ की संभावनाएं बनती चल जाएगी। कि कन्या राशि के जो है वह सप्तम, अष्टम और नवम भाव जो है वह काफी प्रभावित हैं। तो जब सप्तम भाव प्रभावित होता है तो साझेदारी व्यापार में इनको काफी लाभ की संभावना बनती है। तो जो ये कन्या राशि के जातक जो है व्यापार के सेक्टर में साझेदारी के काम में जो है वह सफल हो जाया करेंगे। जहाँ भी जो व्यापार होगा उस मित्र से इनको लाभ होगा। सप्तम भाव जो है उनके गृहस्थी भी होती है और दाम्पत्य जीवन भी होता है। तो सप्तम भाव से दाम्पत्य जो है वैवाहिक जीवन में बंधेंगे, वैवाहिक संबंध बढ़ेगा। दाम्पत्य के अगर कहीं कोई दूर रहते हैं, प्रदेश में रहते हैं, तो वो अपने घर के आसपास करीब आ जाए करेंगे, या नहीं तो पत्नी या पति पत्नी साथ रहेंगे, ऐसे संजोग जुटेगा उनके लिए। इसके अलावा सप्तम भाव को अगर हम देखें तो गृहस्थी की बनती है, संतान का जोग है इनके यहाँ जो इस साल जो है वो संतान वगैरह का ये प्राप्ति इनको हो सकती है। इसके बाद अगर हम देखें कि क्या हो सकता है, हम अष्टम भाव को देखें तो वहाँ जो है वह गोचरीय दृष्टिकोण से ऐसे लोग जो है वह नए तरह के रिसर्च करेंगे, नई तरह के शोध करेंगे। तो जो शोध में, रिसर्च में, चाहे नई तरह के व्यापार का चिंतन करेंगे, तो जो नए तरह के व्यापार जो है ये राशि के जातक जो है व्यापार, अरे नई व्यापार करेंगे, अपना बदलाव करेंगे, पेशा में बदलाव करेंगे, पेशा में बदलाव करके का लाभ इनको मिलेगा। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए जो है वह धर्म भाव जो है, अगर धर्म भाव को देखते हैं तो माता पिता से इनको सहयोग की प्राप्ति हो जाया करेगी। चाचा चाची वगैरह मामा मामी से इनको सहयोग की प्राप्ति होगी, कुछ धन मिलेगा, कुछ जो है इनको गिफ्ट वगैरह की प्राप्ति हो सकती है। अब हम आते हैं कि मानव जीवन पर, ये तो सामूहिक रूप से सभी राशियों के, एक राशि के लिए हो गया। व्यापारिक वर्ग के लिए क्या होगा? तो व्यापारिक वर्ग के लिए जो है वह साझेदारी वगैरह का जो है पार्टनरशिप वगैरह में इनके काफ़ी लाभ की संभावनाएं दिखती हैं। महिलाओं के लिए है, जो महिलाएं हैं वो घरेलू महिलाओं के लिए क्या हो सकता है, घरेलू महिलाओं के लिए इनके लिए जो है वह गोचर दृष्टिकोण से इनके लिए काफ़ी लाभ की संभावनाएं दिखती हैं और घरेलू हिंसा समाप्त होने के स्थिति पर आ जाएगा। इसलिए महिला जो है वह उत्तरोत्तर अपनी वृद्धि करेंगी, अपने आय की वृद्धि करेगी, अपने स्वास्थ्य की वृद्धि करेंगी। इस तरह का कई कानून भी इस तरह के भी आ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि बच्चे क्या कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा है हमारे बच्चों पर फोकस होता है कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। तो जो इस जातक हैं उनके बच्चे काफ़ी लाभ करेंगे। अपने माता पिता के, कन्या राशि के जातक के माता पिता को काफ़ी लाभ मिलेगा कि उनके बच्चे जो हैं वह सफल हो गए, प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हो गए, सेलेक्ट हो गए, फलाने स्कूल में सेलेक्ट हो गए। इस तरह के जो है बच्चों से काफ़ी इनको सुख की प्राप्ति मिलेगी। अब हम देखते हैं कि जो कामगार जो हैं, हम छोटे छोटे असंगठित क्षेत्र जो है, असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए भी यह साल जो है वह लाभकारी होगा, लेकिन वो अप्रैल के बाद जो है उत्तरोत्तर उनकी काफ़ी उन्नति होगी और अप्रैल के बाद इनके सारी जो समस्याएं हैं पिछले साल जो हम लोग झेल रहे हैं वो से वो बाहर आ जाएंगे और नए व्यापार वगैरह करने में सफल हो जाएंगे। तो इस तरह से जो है कन्या राशि के जातक के लिए यह साल जो है वह अप्रैल के बाद काफ़ी उन्नतिकारक है और धान्य सुख समृद्धि की भी प्राप्ति हो जाया करेगी। कन्या राशि के जातक जो है वह इस साल जो है वह हरा कपड़ा जरूर पहने, सब्जी वगैरह का दान, हरी चीज़ों का दान करें और भगवान बुद्ध का मंत्र का अगर जप कर सकते हैं, तो नहीं तो गणेश मंदिर में जाके गणेश को दर्शन करें, तो निश्चित ही इनको काफ़ी सफलता की प्राप्ति होगी।